नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में, उस सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में जिसमें आने वाले समय में आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। आपको उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आने वाले समय में ग्रोथ हो। जब आने वाले समय में सेक्टर में ग्रोथ होगा, कंपनी का सेल्स इंक्रीज होगा, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो जो आने वाला समय है वो किसका है? बैटरी सेक्टर का। जैसा कि हमने बताया था आपको, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है आने वाले समय में, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड काफी बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक ई रिक्शा काफी आप देखते होंगे मार्केट में। तो सारी चीजें जो है इलेक्ट्रिक होने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? बैटरी। जैसे सोलर एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है तो सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? बैटरी। तो जैसे सोलर का डिमांड जितना अधिक होगा तो सोलर बैटरी का जरूरत पड़ेगा। तो जो सोलर बैटरी बनाने वाली कंपनी है उस कंपनी के प्रोडक्ट में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज होगा, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो बैटरी बनाने वाले कंपनी में जो सबसे लीडर कंपनी है वो अमर राजा बैटरी और एक्साइड बैटरी। तो इस तरह के स्टॉक में आपको अभी इन्वेस्ट करना है क्योंकि आने वाले समय में जब इसमें ग्रोथ होगा तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ये अमर राजा बैटरी जो है काफी अच्छे सारे प्रोडक्ट बनाती है, बैटरी सेक्टर में काफी सारे इक्विपमेंट बनाती है और बैटरी भी बनाती है। और यहाँ पर देखते हैं, अमर राजा बैटरी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लेड एसिड स्टोरेज बैटरी का, और जो इंडस्ट्री में यूज होता है और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। और इस कंपनी का जो अभी मार्केट कैप है मात्र 15,000 करोड़ है, करेंट प्राइस है 925 रुपीज। और इसका हाई लो की बात करें तो देखने लो बनाया था 349 रुपीज का और हाई बनाया 965 रुपीज का। पी की बात करें 28 का पी है स्टॉक का, जबकि इंडस्ट्री का पी 45 का है। तो स्टॉक का पी अभी भी काफी कम है इंडस्ट्री के पी से, अर्निंग पर से 33 रुपीज का है। और कंपनी के पास जो रिजर्व है 4,000 करोड़ का है, और कंपनी के पास डेट देख सकते हैं मात्र 71 करोड़ का डेट है, डेट काफी कम है। और कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए, काफी मतलब अर्ली प्रॉफिट जो है 565 करोड़ का है। प्रमोटर्स का होल्डिंग लेकिन थोड़ा सा कम है, 28% मात्र प्रमोटर्स का होल्डिंग है कंपनी में। तो सारी चीजें आपको देख के रखना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट काफी अच्छा है 23% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का है, तो ये काफी बेहतरीन है। साथ साथ डिविडेंड यील्ड भी देखते हैं 1.91% का है। तो हर चीज जो है कंपनी का काफी फेवर में है। कंपनी का डेट काफी कम है, मतलब एक तरह से कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। तो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको जब भी गिरावट मिलता है बाय ऑन डिप्स करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है क्योंकि आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इलेक्ट्रिसिटी का है। और सोलर जो रिलेबल एनर्जी है हमारा, सोलर एनर्जी अगर उसका डिमांड बढ़ता है तो और ज्यादा हमें बैटरी स्टोरेज का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सोलर एनर्जी को जब हम स्टोरेज करेंगे फिर से तभी हम उसे यूज कर पाएंगे। अगर कंपनी के बारे में आप विशेष जानना चाहते हैं तो आपको आना है amaraja.com पर। यहाँ पर देखते हैं गॉट अप बी ए बेटर वे, अमर राजा बैटरी के बारे में आप डिटेल में यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर नीचे चलते हैं, कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ पर आप देखते हैं, पावर प्रोडक्ट बनाती है। अमर राजा ग्रुप में कुल 7 कंपनीज है जिसमें 16 बिजनेसेस करती है कंपनी, और देखते हैं 15,000 मतलब वर्कर्स है। $1.35 बिलियन का जो है रेवेन्यू है कंपनी का, तो काफी बेहतरीन कंपनी है और काफी बड़ी कंपनी। और यहाँ पर देखिए बैटरी कंपोनेंट भी बनाती है कंपनी, इंडस्ट्री का भी बैटरी बनाती है और ऑटोमेटिक बैटरी भी बनाती है। तो काफी सारे बिजनेस है, बिजनेस भी काफी डाइवर्सिफाइड है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करना, स्टोरेज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट भी बनाती है। तो इतनी बेहतरीन कंपनियां आपको जब भी गिरावट मिलता है तो आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर कंपनी के रिटर्न की बात करें तो वन डे में देखते हैं, अभी मार्केट हमारा पिछले दिन क्लोज था तो यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं दिख रहा है आपको। 5 डेज में देखिएगा कंपनी का शेयर प्राइस डाउन है, 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में 1.35% का रिटर्न दे रहा है। 6 मंथ में बात करते हैं तो 6 मंथ में भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है कंपनी, 6 मंथ में 29% का रिटर्न, ईयर टिल डेट में भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है कंपनी। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में कंपनी का जो रिटर्न है 29% का है, और 5 ईयर्स में बात करें तो 5 ईयर्स में आपको कुछ खास रिटर्न आपको यहाँ नहीं दिखता है, 5 ईयर्स में मात्र 10% का रिटर्न है, मतलब 9.30% का। अगर मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है कंपनी ने, मैक्सिमम ईयर में
लगभग 20,000% का रिटर्न दिया है, तो काफी बेहतरीन है। 20 साल में 20,000% का रिटर्न। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक जब भी आपको गिरावट मिलता है तो जरूर इन्वेस्ट करें। तो ये देख सकते हैं कि जब बैटरी का डिमांड उतना ज्यादा नहीं था तब जाकर के स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो अब जब डिमांड काफी बढ़ेगा तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देगी। तो जब गिरावट में आपको मिलता है तो अब आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर देखते हैं गिरावट में स्टॉक ये 350 रुपये तक मिल रहा था, तो वहां पर आपको इन्वेस्ट करना था। उसके बाद जो चार्ट देखते हैं लगातार अप ट्रेंड में है, अब आपको इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करना है। हर गिरावट पे थोड़े थोड़े स्टॉक आपको बाय करने हैं। अगर बात करें कॉर्पोरेट एक्शन का, तो कंपनी बोनस भी अच्छा खासा दिया है। स्टॉक स्प्लिट से ही कंपनी अपने शेयर होल्डर के शेयर को 10 गुना किया है, जो कि 2007-2012 में दिया है, और एक बार कंपनी जो है बोनस शेयर भी दिया है। बोनस शेयर देख लीजिए 2008 में दिया था, और स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था 2007 में 2012 में। तो मतलब रेगुलर इंटरवल पर नंबर ऑफ शेयर्स को भी काफी मल्टीप्लाई किया है इस शेयर ने। और डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड कंपनी हर साल देती है, 2020 में 2019 में 2 बार, 2018 में 2 बार, तो डिविडेंड भी अच्छा देती है, साथ साथ जो बोनस भी देती है रेगुलर इंटरवल पे, स्टॉक स्प्लिट भी किया है, तो हर बेनिफिट्स आपको इस शेयर में मिलने वाला है। तो जब भी गिरावट मिले तो जरूर बाय करना चाहिए। एक बात याद रखना है कि प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है कंपनी मात्र 28% है, तो प्रमोटर्स के बिहेवियर को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।